बदलाव करेगी सरकार। मिशन कर्मयोगी के तहत एचआर कंसल्टेंसी को सौंपा जाएगा जिम्मा। कोरोना के कारण 12वीं की परीक्षा से वंचित छात्रों को मिलेगा पढ़ने का अतिरिक्त अवसर। भारत में कोरोना के पिछले 50 दिनों में सबसे कम नए केस, 24 घंटे में 1,52,00,000 मामले, 3,128 लोगों की मौत। चीन की प्रयोगशाला से कोरोना वायरस के लीक होने से फैली महामारी, अब ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी जताई संभावना। कोरोना को लेकर जेएपी का बड़ा आरोप, आंकड़ों के चक्कर में लोगों की जान मुसीबत में डाल रही सरकार। केंद्र बीजेपी की नीतियां बताने पहुंची थी बबीता फोगाट, घेरा कर किसानों ने दिखाई काले झंडे, पुलिस ने संभाले हालात। बिहार में ब्लैक फंगस के 60% मरीजों की आंखों पर असर, 40% के नाक और मुंह में संक्रमण। यूपी में 1 जून से खत्म हो रहा लॉकडाउन, सुबह 7 बजे से खुल सकेंगी दुकानें, नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। बीजेपी का यूपी पर फोकस, केंद्रीय संगठन महामंत्री बी ए संतोष पर प्रभारी, राधा मोहन आज लखनऊ दौरे पर। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 56 लोगों की मौत, दिल्ली में शर्तों के साथ मिलेगी छूट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।